बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अल्लाह से दुआ है आप भी अपने घरों में खुशियों से खैरियत से आबाद हों। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, आज जो छुट्टी बारिश की वजह तो आज जो छुट्टी ठिलानी बेटी दी मौजा ते सुबह इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई। फिर अभी नहीं, अभी तो धूप निकल आई है। जब फजर के लिए हम लोग उठे थे ना उस वक्त, हाय तुझे उठाया सी, तुझ नहीं उठे तो उठाया करो, लेकिन उठाया करो बारिश के टाइम। अभी होएगी फिर बारिश आज है? हो जब टीशर्ट जाओगे तब भी आएगी, आई डोंट नो। तो अब हम लोग करने लगे नाश्ता। इसके पापा चले गए डायलिसिस के लिए, उनको सुबह नाश्ता दिया था, उनके आज फर्स्ट टाइम में डायलिसिस थे। तो फान राजा उनको छोड़ा है, तो अभी हम लोग नाश्ता करने लगे हैं। की खाओगे तुशी तशो जरा? ओके गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। देखे इतनी बारिश थी, अब इतनी धूप निकल आई है। ये है यहाँ का मौसम। लो जी बच्चे मेरे चले गए ना ट्यूशन, जा रही बारिश का वेट करते करते कि बारिश होएगी तो आज फिर छुट्टी हो जाएगी। इतना मज़े का मौसम था, लेकिन अभी ये थोड़ी देर पहले बारिश भी हुई थोड़ी सी, फिर एकदम से इतनी धूप निकल आई, फिर बादल बन गए, फिर धूप निकल आई। बस ऐसे ही आज मौसम हुआ है। उनको ये था कि शायद आज बारिश फिर हो जाएगी तो छुट्टी हो जाएगी, लेकिन बस अल्लाह का हुक्म है। अभी तक कहीं हो तो रही है, बादल आते हैं काला हो जाता है एकदम से, फिर जो है वो नहीं होती बारिश। तो मैं अब कर रही हूँ सारे घर के काम शाम। इसके पापा अभी डायलिसिस करवाने गए हुए हैं, तो जल्दी से उनके रूम की जो है मैंने बेडशीट जो है वो सिर्फ चेंज की है। तो ऐस कमरे का कोई हाल नहीं छाड़ के गए। ऐ वेखो ज़रा इन्हों के काम, कपड़े उतार के उधर ही फेंक के बस जी। तो अब मैं कर रही हूँ सारे घर के काम, और अभी खाने का कुछ नहीं पता कि क्या पकाना है, क्या बनाना है, क्या नहीं। अच्छा जी, हम लोग मैं और अफान जा रहे हैं शिपा के पापा को लेने हॉस्पिटल से, उनके डायलिसिस हो गए हैं। तो मैं अकेली थी तो मैंने कहा चलो मैं भी साथ चलती हूँ अफान के साथ। तो मैं भी जा रही हूँ अफान के साथ, तो उनको लेके आते। मैं पीछे बैठ जाती हूँ, फिर पापा ने आगे बैठना है। हम लोग आ गए हैं हॉस्पिटल के बाहर, खड़े हैं और अब बारिश हो रही है। मज़े का मौसम हो गया फिर से बाहर। रहमत की बारिश हो रही है, अल्लाह की रहमत की बारिश। बच्चे ट्यूशन चले गए, अब 2 बजे बारिश हो गई है स्टार्ट। शुक्र है अल्लाह, पता नहीं अब सुबह भी स्कूल बंद ना हो। देखिए कितने लगे की बारिश है। अच्छा, मेरे ड्राइंग रूम की खिड़की में से सारी खिड़कियों में से नजर आता माशाल्लाह। ये देखिए, ये मेरे ड्राइंग रूम की खिड़की है, यहाँ से भी। हाँ, इतनी बारिश है तूफानी। इस वक्त तो पुत्र पानी इतना हो जाना है कि उन्होंने कहीं निकलने भी नहीं देना, रास्ते बंद कर देंगे। आहो है हो सकता। ले जी, शिफा रानी आ गई है ट्यूशन से, और ये कह रही है कि मैंने बारिश इंजॉय करनी थी तो आपने मुझे ना छोड़ दिया ट्यूशन, तो बारिश भी उस वक्त हुई। तो अब इसमें हमारी क्या गलती है, अल्लाह का हुक्म है ना। फान भाई ने इसका बड़ा प्यारा सा एक नाम रख दिया चंपी। इसने फान के सर में उस दिन किया चंपी, तो फान के सर में दर्द होने लग गया, तो इस वजह से वो कहता मैंने इसका नाम ही रख दिया। कहता मैं चंपी को ले आऊँ, चंपी को ले आया चंपी साथ में बदले उसको भी लेके आए। हाँ, और यही मज़े की हवा चल रही है। शिफा इधर देख कितनी मज़े की हवा है।
बारिश तो रुक गई है, फिर होएगी अभी बारिश, होएगी 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 खुशियाँ। आप लोग भी अपने सहन घर में एंजॉय करें बारिश को, वैसे गाय हंसे खेले खाए ये। हेलो जनानी बेटे दे काम में फ्रिजर तले में पाए के खरबूजा खादा जा रहा है, सामने खिड़की से हवा आ रही है ना तो ठंडी इस वजह से। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ सैंडविच शामी वाले अपने लिए और खान के लिए, और ये शिफा के लिए मैंने थोड़ी सी फ्राइज बनाई है और साथ में एक दो नगेट बनाए हैं। लिए जी सैंडविच हो गया हमारा रेडी, मैंने बस इतना ही खाना है क्योंकि मैं इतना ही खा सकती हूँ इस वक्त। और ये फ़ोन को दे के आती हूँ, क्लास बंद और लाइट बंद। मैंने खिलानी बेटी बारिश इंजॉय करते हुए, अंदर टिकी नहीं रही मुझे लेके जाओ बाहर, मैंने कहा मुश्किल से तेरी तबीयत ठीक हुई है, बाहर ना जा बाहर ना जा, लेकिन नहीं नहीं पानी में ना पाऊंगा, अरे पागल है शूज़ गीले हो जाएंगे। ए आराम से आराम से बस, आप चाहो मैं थोड़ा सा मदद करूं। मैं नहीं जा रही ऐसे छोड़ के, मैं आपको साथ लेके जाऊंगी। बादल अभी भी है, अच्छा हुआ है। चलो अब लो जी, मैं कख नहीं समझ आ रही मैं की बनावा, तो मैं सोचा थोड़े चे आलू चने बना के तो नाल कुछ लोश ना बना ला, तो ए लो आलू चने दही जड़ी और फिर जम चुकी जा फ्रिज च। अभी थोड़ी सी बारिश हुई है, खाने के लिए कुछ तो मुझे कुछ नहीं समझ आ रही, मगरिब हो गई है तो अब मेरे जहन में कुछ नहीं आ रहा था, मैंने कहा चलो यही बना लेती हूँ। नहीं जी ये देखिए मैंने आलू और चने जो है ये रेडी कर लिए, और पुलाव जो है वो मैंने ऊपर रख दिया, मैंने कहा शिफान के आने तक पक जाए, सुबह का दिन होगा। आप ये कहेगा कि कुछ पकाया नहीं क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, तो ये भी बस अब थोड़ी देर में लग रहा है उसके आने से पहले पक जाए। देखो बताया नहीं जी, मेरा पुलाव भी हो गया रेडी, शफान साहब आए थे लेकिन खाना खाए बगैर ही, ज़रा कहते हैं सारे फ्रेंड बाहर जा रहे हैं तो मैंने भी जाना, मैं कहा जाओ खैर ना जाओ तो खैर ना लाओ क्योंकि अभी पुलाव बनना था। एक सेकेंड तो हो तो ये पुलाव जो है रेडी हो गया, तो अब शफान राजा साहब आएंगे तो फिर हम सब लोग खाएंगे खाना। शिफा तो यही थी आज दिन भर की रूटीन, बारिश ही होती थी सारा दिन, कुछ नहीं किया इतना कुछ खास, खाना भी अभी बनाया है तो सुबह पता नहीं अब स्कूल बंद होता है या क्या होता है, कभी तक तो कोई मैसेज नहीं आया स्कूल वालों का। मिसने बोला था कि ट्यूसडे को ना वो पता नहीं वो क्या था, अब पता नहीं, अब मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग में हमारे चैनल को, हमारे चैनल को कोई बात नहीं, अभी हमने लेट सोना है ना अभी, चले फिर चैनल को लाइक करें शेयर करें और अपने फैमिली के साथ। ओके।